हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे सम्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस, मतलब जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और अगर लॉस हुआ है तो आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गार्डनिंग शेयर्स बोट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। तो मतलब यहाँ पे बोट मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, ₹250। सोल्ड का मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है, ₹325। तो अब हमको चेक करना है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो उस केस में क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। तो यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस कितनी है, 325, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 250, माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा आपका, ₹75। तो मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, ₹75 का। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का हमारा फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट हुआ 75 का, CP कितनी थी, 250 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसल, 25 थ्री सा कितना, 75, तो 3 × 10 तो कितना हो जाएगा आपका, 30%। तो मतलब जो टोटल प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट हुआ, 30%। अब हम देखते हैं हमारा बी वाला। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है या जो आइटम है वो क्या है आपका, रेफ्रिजरेटर है, जिसको बोट मतलब कितने में ख़रीदा शॉपकीपर ने, ₹12,000 में। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, ₹12,000, और उसको सोल्ड किया मतलब उसको कितने में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है, ₹13,500। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 12,000 और सेलिंग प्राइस कितनी है, 13,500। तो हमको ये बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमको क्या चेक करना है, SP और CP को। तो हमारा यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस कम होती है तो उस केस में क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। तो यहाँ से हो जाएगा 13,500 माइनस 12,000। तो 13,500 में से 12,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ₹1,500। तो इतने का प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट आया तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का हमारा फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1500, CP कितनी थी आपकी, 12,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 100, तो 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आया, 150 अपॉन में 12, दोनों 3 से कट कर दो, 3 × 5 = 15, और ये हो जाएगा 3 से कट कर दो 4, देन ये 2 से कट कर दो 25, 2 से 2 तो कितना आया, 25/2, दैट मीन्स 12.5% का क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब हम देखते हैं हमारा सी वाला, अ कप बोर्ड बोट फॉर ₹2,500। यहाँ पे जो आइटम है वो क्या है, कप बोर्ड है, जिसकी कॉस्ट प्राइस गिवन है हमको, कितनी है कॉस्ट प्राइस, ₹2,500, और इसको सोल्ड करा मतलब बेचा कितने में, ₹3,000 में, बेचा कितने में, ₹3,000 में। तो यहाँ पे देखो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। तो यहाँ पे SP कितनी है, 3,000, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2,500, तो माइनस कर दो तो कितना आ गया, 500। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ कितने रुपीस का हुआ, 500 का। तो जब प्रॉफिट आता है तो हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट। तो उसका फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना है, 500, CP कितनी है, 2,500 × 100, तो 20 से 20 कैंसल, 25 टू सा कितना, 50, तो मतलब 20% का यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कर्ट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपका, स्कर्ट है, जो ख़रीदा कितने में, 250 में, मतलब इसकी जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो कितनी हो गई, ₹250।
और इसको जो बेचा है मतलब सेलिंग प्राइस जो है, सोल्ड मतलब बेचना, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹150। तो हमको ये बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर देन क्या है आपकी? सेलिंग प्राइस है। तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है तो उस केस में क्या होता है? लॉस। और लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। तो CP कितना है? 250 और SP कितना है? 150। तो यहाँ से जो लॉस आएगा वो कितने रुपीस का आएगा? 100 रुपीस का। अब हमको दूसरी चीज़, अगर लॉस आए तो आपको लॉस परसेंट निकालना है। तो जो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस कितने का हुआ? 100 रुपीस का। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 250 इंटू 100, 0 0 कैंसल, 25 4 100। तो 10 × 4 तो मतलब 40% का यहाँ पे क्या हो गया है? लॉस हुआ है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई बाय अ टीवी, मतलब मैंने प्रोडक्ट में क्या खरीदा है? एक टीवी खरीदी है और वो कितने रुपीस की है? ₹10,000। मतलब ये क्या हो गई इसकी? कॉस्ट प्राइस। आगे लिखा हुआ है जब मैंने इसे बेचा तो उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो जो प्रॉफिट है वो हमको गिवन है कितने परसेंट? 20%। तो हमको ये बताना है कि मैंने उस टीवी को कितने रुपीस में बेचा, मतलब हमको निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी। तो जब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, हमको जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन होता है तब हमारा फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय CP। तो यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ? 20 अपॉन में 100। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 10,000। तो ये हो जाएगा 120 अपॉन में 100 इंटू कितना? 10,000। तो 20 से 20 कैंसल। तो यहाँ हो गया आपका 120 इंटू 100, तो कितना हो गया? 12,000। मतलब जब मैंने 10,000 रुपीस का टीवी ख़रीदा था उस पर 20% क्या मिला? प्रॉफिट मिला। तो मैंने उस टीवी को 12,000 रुपीस में क्या कर दिया? सेल कर दिया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन। तो जो आइटम है वो क्या है आपका? वॉशिंग मशीन है। सेल करना मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब हमको इस वॉशिंग मशीन की क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस। और वो कितनी है? 13,500। अब जब उसने 13,500 में बेचा तो उसको जो लॉस हुआ कितने परसेंट हुआ? 20% का उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो हमको ये बताना है कि वो जो वॉशिंग मशीन है उसने कितने में ख़रीदा था। तो मतलब हमको उस वॉशिंग मशीन की क्या बतानी है? कॉस्ट प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन होगा, अब देखो यहाँ पे आपको लॉस गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है और पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो हमारा फॉर्मूला है 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। तो यहाँ पे देखो 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस कितना हुआ? 20 और सेलिंग प्राइस कितनी है? 13,500। तो यहाँ से हो जाएगा 100 अपॉन में 80 इंटू 13,500। 0 से 0 क्या कर दो? कैंसिल। 4 से कट कर दो, 4 2 8 और 4 से कितना? 25। अब देखो यहाँ पे आपका 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 6 12 1 बचा, 2 7 14 और 2 5 तो आपका नंबर आया 25 × 6 7 5। मल्टीप्लाई कर लो 6 7 5 में किसका? 25 का। तो ये हो जाएगा 5 5 25, 35 और 2 37, 30 और 3 33, 2 5 10 कैरी 1 14 और 1 15 कैरी 1 12 और 1 13, 5 7 8 6 1। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 16,875 रुपीस। मतलब उसने क्या था? 16,875 रुपीस में ख़रीदा था और उसको क्या हो गया? 20% लॉस। और लॉस होने के बाद उसने प्रोडक्ट कितने में बेचा? 13,500 रुपीस में। अब हम देखते हैं इस टॉपिक पे हमारा लास्ट क्वेश्चन। अमीना बाइस अ बुक, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है? बुक है। और उसको अमीना ने ख़रीदा कितने में? ₹275 में। अब क्या हुआ, जब उसने उसको बेचा तो उसको जो लॉस हुआ वो कितने परसेंट का हो गया? 15% का। तो हमको ये बताना है कि उस बुक की सेलिंग प्राइस क्या है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक हमको क्या करना है? फाइंड करना है।
अब देखो कॉस्ट प्राइस है और लॉस है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू सीपी। तो 100 माइनस लॉस कितना हुआ 15 अपॉन में 100, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 275, तो यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 15 85 अपॉन में कितना 100 इंटू कितना 275। अब 275 में आप 85 का क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 275 इंटू 85, तो 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 4 2 37, 10 और 3 13, 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56 और 4, फिर 8 2 ज़ा 16 और 6 22, तो यहाँ से आया 5 7 3 3 2, तो ये हुआ 23375 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 233.75। मतलब जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 275, उस पर 15% क्या हो गया लॉस हो गया। तो लॉस होने के बाद जो अमीना ने उस बुक को बेचा वो कितने में बेचा 233.75 रुपीज़ में। तो ये था हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, जिस पे हमने देखा कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस एंड लॉस परसेंट, और लास्ट के सम्स में हमने देखा कि अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।